नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल में 9 और मंत्री शामिल किए। मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल को दोपहर बाद शपथ दिलाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनकी समाधि सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं और ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया। श्री मोदी एशिया के इस दूसरे सबसे लंबे पुल पर पहली यात्री रेलगाड़ी भी रवाना करेंगे। 4.9 किलोमीटर लंबे इस पुल के लोअर डेक पर 2 लाइन की रेल पटरी और टॉप डेक पर 3 लेन की सड़क है। लगभग 5900 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल असम के डिब्रूगढ़ के 17 किलोमीटर निचले भाग में स्थित है। इसके 120 वर्ष तक सेवा देने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेल संपर्क नदी के दक्षिणी और उत्तरी तट पर मौजूद 2 रेल नेटवर्क को जोड़ता है। एशिया का यह दूसरा सबसे बड़ा रेल और सड़क पुल देश के पूर्वोत्तर इलाके की जीवन रेखा साबित होगा और इससे ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी और उत्तरी छोर के बीच संपर्क कायम होगा। इससे उत्तरी असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस पुल से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सैनिकों और उनके साथ सामान को एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से ले जाया जा सकेगा। परियोजना के सामरिक महत्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पुल के निर्माण को 2007 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। इसके शुरू होने से सड़क और रेल यात्रा दोनों में समय की बचत होगी। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए इस परियोजना के मुख्य अभियंता मोहिंदर सिंह ने बताया कि इस पुल के निर्माण में 80,000 टन स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया गया है और यह भारत का पहला पूरी तरह वेल्डिंग किया हुआ पुल है। ब्रिज का सबसे बड़ा खूबी यह है कि यह पूरी तरह से वैलिड स्ट्रक्चर है, जो इंडिया में इतना लंबा स्पैन के लिए रेल कम रोड में कभी नहीं बना। जो ब्रिज का वैलिड स्ट्रक्चर और कम्पोजिट डिजाइन होने से हमारा 20% के करीब इसका बचत हुआ लागत में। इस ब्रिज में हमने कोई रिवेट बोल्ट यूज नहीं किया, पूरा वेल्ड है इसलिए मेंटेनेंस फ्री है। भूकंप के नजरिए से जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है उन सबको पूरा करते हुए ब्रिज को डिजाइन किया गया, बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए असम के लोगों ने इस पुल के निर्माण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, अभिजीत पाल, मैं तिनसुकिया का रहने वाला हूँ। बोगीबील ब्रिज बनने से पहले जो दिक्कत होती थी, अभी तो रात हो या दिन हो, आना जाना तो दिक्कत नहीं है। आम आदमी के लिए बहुत दिक्कत था, पैसे गाड़ी लेके जाने से उसमें किराया भी ज्यादा लगता था और टाइम भी लग जाता था, आपको 3 से 3.5 घंटा तक पार होने में लगे था, अभी तो 1 घंटा का रास्ता हो गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने जनवरी 1997 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन निर्माण कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में 21 अप्रैल 2002 को शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री धेमाजी जिले में कारेंग चापोरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में 9 दिन पुराने भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में आज 9 और मंत्री शामिल किए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित समारोह में नए मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई। मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, शिव डेहारिया, कवासी लखमा, अनिला भेड़िया, प्रेम साई सिंह और उमेश पटेल शपथ लेने वालों में शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा 2 और मंत्री टीएस सिंहदेव तथा ताम्रध्वज साहू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की विजय के बाद 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इधर मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल को आज शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में राजभवन में दिन के 3 बजे होगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 1 सप्ताह बाद
वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ अब से थोड़ी देर बाद पहली बार अपने मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अपने मंत्रिमंडल में वे लगभग 20 मंत्रियों को शामिल करेंगे। पार्टी सूत्रों ने जानकारी दी है कि मंत्रियों के नाम क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के साथ साथ अगले साल होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर तय किए गए हैं। इनमें अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता दी गई है और पहली बार के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। कांग्रेस का समर्थन कर रहे बसपा, सपा और निर्दलीय विधायकों को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में राजघाट के निकट अटल जी का समाधि स्थल सदैव अटल आज राष्ट्र को समर्पित किया गया। एक रिपोर्ट। विविधता में एकता का महत्व दर्शाने के लिए इस समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मुख्य समाधि 9 चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आकृति में बनी है। 9 की संख्या का बड़ा महत्व है, जो नवरस, नवरात्रि और नवग्रह को दर्शाती है। 9 वर्गों को कमल की पंखुड़ियों के रूप में संजोया गया है। समाधि का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 10 करोड़ रूपए की लागत से किया है और निर्माण का पूरा खर्च अटल स्मृति न्यास समिति ने उठाया है। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सवेरे उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, कई केंद्रीय मंत्रियों और अटल जी के परिवार के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि पूरा राष्ट्र आज एक सच्चे राजनेता को याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अटल जी हमेशा लोगों के दिलों में बने रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि देश श्री वाजपेयी के अमूल्य योगदान के लिए आभारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए एक ट्वीट संदेश में नए भारत के निर्माण का उनका सपना साकार करने की प्रतिबद्धता दोहराई। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि भारत के लोग उनके सपनों का भारत बनाने के संकल्प के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश से विशेष लगाव था और उनका पूरा जीवन एक आदर्श राजनेता का उदाहरण रहा। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार लखनऊ में राज्य सचिवालय लोकभवन में स्वर्गीय श्री वाजपेयी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेगी। इस अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में कवि सम्मेलन, गोष्ठियां, काव्यपाठ, रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि महामना मालवीय ने स्वतंत्रता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी खबरों और अनुमानों को विराम दिया जाना चाहिए। किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार की ओर से ना कोई इस प्रकार का प्लान है, ना कोई योजना है, और यदि इस प्रकार की कोई अटकलें लगाई जा रही हैं तो उससे जो परेशानी या बेचैनी छात्रों में हो रही है वो निराधार है। इसमें किसी प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। सिविल सर्विसेज की परीक्षा को लेकर के सरकार किसी तरह का क्राइटेरिया बदलाव करने की योजना नहीं रखती। इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि केंद्र सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की ऊपरी आयु सीमा चरणबद्ध तरीके से 2022-23 तक 27 वर्ष कर सकता है। इस समय सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 37 वर्ष है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करना सरकार के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में श्री जेटली ने कहा कि इस चुनौती से निपटने का एक उपाय किसानों को अधिक उपार्जन में सक्षम बनाना है। इसके लिए सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं में अधिक निवेश करना और किसानों की उपज की खरीद में सहयोग देना जरूरी है। पॉलिसी मैकेनिज्म्स हैव टू बी परमानेंट टू एनेबल द फार्मर्स टू अर्न मोर एंड व्हाटएवर सपोर्ट हैज टू बी गिवन टू देम हैज टू बी गिवन बोथ इन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एग्रीकल्चर बाय द स्टेट इटसेल्फ। दैट इज यू मेक लाइफ इजियर एंड मेक एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव। वित्त मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से वाहनों, दूरसंचार, रियल एस्टेट और विमानन क्षेत्र में हाल के बिक्री रुझान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्री से ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की वर्षांत कार्यक्रम श्रृंखला के तहत आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय ने निर्यात से जुड़ी बाधाओं को दूर करने तथा उसके काम को सुचारू बनाने के लिए संचालन परिषद के गठन का प्रस्ताव किया है। ये कदम सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों से समुद्री जहाजों के जरिए माल को भेजे जाने की कार्ययोजना के तहत उठाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया भर में क्रिसमस आज उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन को ईसाई समुदाय के लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। गिरजाघर में मध्यरात्रि के समय विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। प्रभु यीशु का जन्मदिवस क्रिसमस गोवा में विशेष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कैरोल गायन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्क बिशप फिलिप नेरी फेराओ ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नागालैंड में लोग एक दूसरे को उपहार और शुभकामनाएं दे रहे हैं। विशेष प्रार्थना सभाएं भी हुई हैं। एक रिपोर्ट। पूरे राज्य में लोगों ने क्रिसमस का स्वागत करते हुए अपने घरों और गलियों को सजाया हुआ है। हर तरफ क्रिसमस कैरल सुनाई दे रहे हैं। हर उम्र के लोग रंग बिरंगी वेशभूषा में सुबह से ही चर्च पहुंच रहे हैं। लोग अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को केक और उपहार तोहफे में दे रहे हैं। इसके अलावा लोगों और कई दलों ने विभिन्न अस्पतालों तथा अनाथालयों में खाना और कपड़े बांटकर प्यार तथा सद्भाव का इजहार किया। क्रिसमस के अवसर पर कल रात से ही लोगों ने अपनी कॉलोनियों में कैंप फायर का आयोजन किया और गलियों तथा सड़कों में गाड़ियों नाचते गाते दिखे। कोहिमा से असुनों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी दिल्ली से जुड़े जिलों को औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर 3 दिन के प्रतिबंध लगाने के उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। मेरठ और सहारनपुर मंडल आयुक्तों तथा गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और बुलंदशहर के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल 3रे दिन भी वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब रहा। इंडोनेशिया में सुनामी से मरने वालों की संख्या 420 से अधिक हो गई है और 1400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पश्चिमी जावा और दक्षिणी सुमात्रा द्वीपों के तटवर्ती इलाकों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सेना, सरकारी कर्मचारी और स्वयंसेवक तटवर्ती इलाकों में मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सरकारी कार्यालय परिसर में कल के आत्मघाती कार हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इस परिसर में लोक निर्माण मंत्रालय और कई सरकारी कार्यालय हैं। अभी तक किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। प्रीमियर बैडमिंटन लीग के 4थे दिन आज शाम 7 बजे हैदराबाद हंटर्स का मुकाबला चेन्नई स्मैशर्स से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगीबील का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल में 9 और मंत्री शामिल किए हैं। मध्य प्रदेश में नए मंत्रिमंडल को आज दोपहर बाद शपथ दिलाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। उनकी समाधि सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है और ईसा मसीह का जन्मदिवस क्रिसमस दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।